आपका इंट्रोडक्शन सामने करें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊँ, माय सेल्फ जीत प्रामाणिक। आई एम सनाजी। माय सेल्फ रवि आसोपा। किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है आपका? राजस्थानी जी बिल्कुल, आज आपको फोक म्यूजिक देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और राजस्थानी फोक जो, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, तो मेरा जोनर है तो मैं बहुत अच्छी तरह से करूँगा। और सूफी और राजस्थानी एक कॉम्बो पैक में आज आप लोगों के बीच में हो। एक बुकड़ा आर यू हैव टू पिक अप सम वेल इट्स अ वेरी वेरी प्राउड day and a moment for me. Me as the CEO and the owner of the group of Mirabella, our endeavor today is towards establishing certain ideology. We are not doing any kind of business. And the ideology is that the nation should be understood for its real ethos, which is spirituality, yoga, love, ethos, talent. We are working towards Mirabella Holistic Yoga Centers, which will be establishing yoga and teachers all over the country. We are also starting our Spiritual Clothes of India, in which we are tying up with the topmost people, and we want the brand to go international. And of course, you know, the nation building can only happen if you groom the right talent. And we have some very established names. We don't go like run-of-the-mill kinds. We don't go and pick up anybody. We pick up like very few selected people. We have selected some very established people who are very good in the job, who are very brilliant actors, performers, directors. And we have also streamlined and selected, especially my partner Panchali, picked up talent from the road, like, you know, where we really thought that they need encouragement and this would really make a mark in the country. So I think we have done a good job. And we're going to showcase some of that today. The three singers who are going to be coming, and the actor, directors of ours who are coming and endorsing us. I'm very, very thankful to all of you at the media, with the people and the nation for encouraging us. कितनी लगे आई थिंक बहुत सारा टैलेंट है हमारे देश में, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मैं बहुत खुशी की बात है कि मेरा पहला टैलेंट इन नए सिंगर्स को प्लेटफॉर्म दे रही है परफॉर्म करने का और काम पाने का। और एक आर्टिस्ट को पेटर्नेज की ज़रूरत होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाहर से आके, छोटे शहरों से आके यहाँ पे अपना मुकाम बनाना बिना पेटर्नेज के मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं। ओके, एनीथिंग एल्स? फाइट क्या करेंगे मुझे बताइए पहले आप। वो तो देखने दिया नहीं आपने, मुझे बुला लिया। उसके पहले क्या बताऊं मैं? ओनली हर्ड वन लेडी सिंगिंग अ सॉन्ग एंड शी वाज सिंगिंग गुड। वो एक बता देता हूँ मैं, आई डोंट नो द नेम ऑल्सो, प्लीज टेल मी क्या नाम था उनका। सना, सना, सना अजीज। अच्छा ठीक है, बताइए, पूछिए, बोलिए। आप सर, हम जानना चाहते हैं कि जो मेरा पहला
यंग टैलेंटों को चांसेस दे रहे हो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहूंगा? अजी ये बड़ी अच्छी बात है। मीराबेला जो है, मीराबेला का नाम क्या उनका यार, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। हाँ सना जी तो है, सिंगर है, जो ओनर है ना उसके नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं स्वराज, स्वराज ये यहाँ पे कुछ नए सिंगर्स को मौका दिया है। एंड आई हर्ड सना करके सिंगर है, उन दो गाने मैं सुने, मैंने भी बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, काफ़ी इमोशन के साथ में, काफ़ी फीलिंग के साथ में। एंड आई बेस्ट विशेस टू हर, एंड मोर देन दैट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड माई बेस्ट विशेस टू मिस्टर स्वराज एंड मीराबेला। ये हमेशा नए टैलेंट को एनकरेज करते हैं, उनको डाइस देते हैं, मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि लोग सुने और उनको मौका दें आगे काम के लिए। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एंड इसके लिए मैं स्वराज कपूर जी को एंड मीराबेला को मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए जी सबको, यंग टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। मैं भी कभी यंग था, स्ट्रगल किया तो मौका मिला, तो कुछ काम करने का, काम दिखाने का मौका मिला मुझे। तो इसीलिए आई ऑलवेज फील दैट न्यू पीपल, न्यू टैलेंट शुड बी एनकरेज्ड एंड उसके लिए प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और ये अच्छा काम कर रहे हैं मीराबेला स्वराज, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वरना नए टैलेंट को तो मौका नहीं मिलेगा रीच करने का। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ, अंदाज अपना अपना का सेकंड पार्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जब स्क्रिप्ट की तसल्ली हो जाएगी तब अनाउंस करेंगे उसके बारे में, बताएंगे। कितने हद तक कंप्लीट हो चुकी है? टू अर्ली टू से अभी एट प्रेजेंट तो मैं बैटल ऑफ सारा घड़ी बना रहा हूँ मैं, तो ये कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, रणदीप थोड़ा बहुत अच्छे एक्टर हैं वो सब जानते हैं, मेरा पहला मौका है, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं एंड डायरेक्टर के साथ कदम ब कदम मिला के चलते हैं, वो वेरी हार्ड वर्किंग। टैलेंट तो सब देखते हैं, हमने देखा है टैलेंट उनका, टैलेंटेड तो हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी वर्किंग विद रणदीप हुड्डा। सॉरी मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि सरबजीत में उसने बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मेंस दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आई डोंट नो जूरी ने क्यों इसे अनदेखा किया है, वो डिजर्विंग परफॉर्मेंस है सरबजीत।